हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ मतलब खेती ज्यादा होती है। पूरा देश आज कृषि प्रधान देश है, खेती के ऊपर ज्यादा निर्भर है। और आज हमारे किसान भाइयों के लिए जो मतलब बेनिफिट कम मिल रहा है, उसका एक ही कारण है, हम फर्टिलाइजर ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस वजह से हमारी धरती, जो हमारी जमीन है, वो बंजर होती जा रही है। और जिस वजह से जो हम खान पीन कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां जो पनप रही है, वो सारी की सारी इसी फर्टिलाइजर की वजह से होती है। तो आज उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, जो हरित संजीवनी की जो आज ट्रेनिंग होने वाली है, जो प्रोडक्ट के ऊपर बात होने वाली है, तो उसका बड़ा बेनिफिट हमें तभी मिलेगा जब हम अपने जान पहचान और हमारे जो दोस्तों को, हमारे जो साथी हैं जो हरित संजीवनी पे काम कर रहे हैं, जो किसान भाई है, उनको हम इस प्रोग्राम में, आज का प्रोग्राम हम दिखाएंगे, तो उसको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। बिल्कुल हो चुका है। तो प्लीज वेलकम पंकज बॉस सर, आपका हार्दिक स्वागत है सर आज के सेशन में। वेलकम सर। थैंक यू धनराज भट्टी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हिंदुस्तान से जुड़े हुए सारे हमारे जांबाज साथी, आप सभी को आज ये यूएस के प्रोग्राम में मैं स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज का प्रोग्राम खास तौर पे खेती के ऊपर ये बेस्ड है। और आपको मैं बता दूं, हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश है। हम बोलते हैं सिर्फ, लेकिन अगर वाकई में आपको महसूस करना है तो आप किसी ट्रेन में या किसी बस में या गाँव की तरफ जाइए और आपको वो पूरा गांव हरियाली दिखेगा, पूरे खेत ही खेत दिखेंगे, तब आपको महसूस होगा कि हाँ, वाकई में हिंदुस्तान का मात्र 20% हिस्सा जो है वो शहर है, बाकी 80% हिस्सा गांव है जहां पर खेती होती है। दोस्तों, आज का पूरा प्रोग्राम जो है वो अपना प्रोडक्ट, जो शानदार प्रोडक्ट, जानदार प्रोडक्ट पीसी छाबड़ा जी ने इसको डिजाइन किया और इसको आरसीएम में लेके आए एक उद्देश्य से, इस उद्देश्य को समझना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। हमारा मेनली उद्देश्य है दोस्तों, भारत की जो कृषि भूमि है दिनों दिन मरती जा रही है, मतलब बंजर होती जा रही है, उसको किसी भी तरीके से बंजर होने से बचाना। दोस्तों, हमारा मेन मकसद है सेव द सॉइल, है ना, हमारी जो उपजाऊ मिट्टी है उसको बचाना। दिनों दिन ये बंजर हो रही है। क्या आपके पास हिंदुस्तान के जो ट्रेडिशनल मार्केट है या हिंदुस्तान का जो बाजार है, उनके पास ऐसा कोई उपचार उपलब्ध है जो हमारी मरती हुई जो मिट्टी है उसको बचाया जा सके? है उसके पास ऐसा कोई पद्धति जिससे हमारे खेत जो दिनों दिन अपनी उपजन क्षमता घटाती जा रही है उसको वापस से उपजन क्षमता को बढ़ा सके? कुछ ऐसे सवाल है ज्वलंत, जिसके ऊपर अगर चर्चा की जाए तो हमारे पास दिन भी कम पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि सामने हमारे पास में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सीजन, खरीफ सीजन की तैयारी, खरीफ सीजन की शुरुआत होने जा रहा है अगले महीने से। इसीलिए हमारी तैयारी जो है बहुत बुलंद होनी चाहिए। हमारा जो कृषि व्यवसाय है वो शुरू होने वाला है अगले महीने से, और इस महीने में जो अप्रैल का महीना है वो हमारे लिए बहुत खास इसीलिए है क्योंकि वो पूरी तैयारी अप्रैल का महीना हमारे लिए है। कितना बड़ा बिजनेस आप करना चाहते हो वो सारा का सारा डिपेंड करेगा आपकी तैयारी के ऊपर। तो सबसे पहला आज का हमारा टॉपिक है हमारी तैयारी, हमारी तैयारी, हमारी टीम की तैयारी। देखिए दोस्तों, तो ये सामने है अप्रैल का महीना, अप्रैल के महीना तैयारी में लग जाएगा, फिर उसके बाद आएगा मई, जून, जुलाई। ध्यान रखिएगा मेरी बात को, मई, जून, जुलाई। अगस्त का महीना बिजनेस फाइनल होगा और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी का वार्षिक समारोह, एनिवर्सरी जिसको आप बोलते हैं, वो एनिवर्सरी होगी आपकी अगस्त में, सितंबर में। तो उस सितंबर में अगर आपको बहुत बड़ी पिन पे जाना है, स्टेज पे खड़ा होना है, नई पिन के साथ जाना है, एक नए पायदान पे खड़ा होना है, तो ये तैयारी अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत बड़ा है। आपकी प्लानिंग देखिए, अभी भी हम एक सुंदर बड़ा भव्य अगर मकान बनाते हैं तो उससे पहले, सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ख्याल आता है कि हमको एक बहुत आलीशान मकान बनाना है। उसके बाद हम आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, आर्किटेक्ट आपका जमीन के हिसाब से उसकी डिजाइनिंग करता है। उसके बाद में ईंट गारा पत्थर आता है, धीरे 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 वो मूर्त रूप लेता है। तो दोस्तों, प्लानिंग हो चुकी है, अब हमको तैयारी पे जाना है, मतलब आर्किटेक्ट के पास जाना है, मतलब हमारे पास में जो ये अप्रैल का महीना है ये पूरा तैयारी का होगा। और मैं आपको आज बताऊंगा कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फसल धान की है और धान में किस तरीके से आप तैयारी करेंगे। दूसरे जगह पे कपास लगेगा और भी बहुत सारी फसलें लगेंगी, उसमें हमारा प्रोडक्ट क्या काम करेगा और किस तरीके से हमको इसकी तैयारी करनी है। सबसे पहले हमारी तैयारी, दूसरा हमारे पास में जो टॉपिक आता है वो टॉपिक आता है प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी।
हमारे पास में जो हमारे प्रोडक्ट है उसकी उपलब्धता, हमारे पास आरसीएम बिजनेस का जो सिस्टम है उसका उपलब्धता का जो अगर बोला जाए कैसा चैनल है वो है डिपो, डिपो के बाद है पिकअप सेंटर, पिकअप सेंटर के बाद में आप लोगों का डिस्प्ले वॉल और इस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना हुआ है। तो दोस्तों मेरी आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग अपने घरों में डिस्प्ले वॉल रखे हुए हैं उन डिस्प्ले वॉल में प्रोडक्ट अवेलेबल करके रखिए, क्योंकि आपकी तैयारी बताएगी कि आपका इमारत कितना बुलंद होगा जो कि अगस्त और सितंबर महीने के एनिवर्सरी में स्टेज पे जाओगे। क्या आप रॉयल्टी पे जाना चाहते हो, क्या आप टेक्निकल पे जाना चाहते हो, क्या आपका टारगेट एमराल्ड है, क्या आपका टारगेट रूबी है, क्या आपका टारगेट स्टार रूबी है, तो उसकी तैयारी तो करनी पड़ेगी ना आज से, अभी से, इसी महीने से। तो उसके लिए आप अपने टीम के साथ बैठ के प्लानिंग करिए, सबको छोटा छोटा सा टारगेट दीजिए और उसके बाद में आप वो प्रोडक्ट अवेलेबल कराइए और उसके बाद काम पे जाइए। दोस्तों हरित संजीवनी में काम करने में मैं देखता हूँ आप लोगों को बड़ा डर लगता है, हम इसलिए ये बात कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से हमारे माननीय त्रिलोकचंद छाबड़ा जी इस सिस्टम के रचयिता श्रद्धे गुरुदेव, उनकी जो सोच है उनकी सोच को आप लोग प्रैक्टिकली फील्ड पे या प्रैक्टिकली जमीन पे जिस तरीके से लाना चाहिए उस तरीके से आ नहीं रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे देश की जो मिट्टी है जो बर्बाद हो रही है उसको किसी तरीके से ठीक करा जाए या मरती हुई मिट्टी को बचाया जाए। तो दोस्तों हमको दिन रात इस पे लगना चाहिए, हम बोल दे चलिए आपके पास में दिन रात का वक्त नहीं है, आप कम से कम दिन में एक घंटे तो निकालिए। आप सोच की बात करते हैं, बहुत अच्छी सोच है, लेकिन आज अगर आप किसान के घर जाएंगे, छोटे छोटे किसान के घर में जाइए, उनके घर में जाके जब आप उनके दिलों में झांके देखेंगे तो आपको सिवाय दर्द के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति दिन रात आपके पेट भर के भोजन आपको मिल पाए इसके लिए अपने परिवार को छोड़ के ठंड में, बरसात में, गर्मी में, ओला बरस रहा है, किसी भी स्थिति में आपके लिए खेत रहता है, अपन रजाई ओढ़ के ठंड में घर में बैठे रहते हैं, लेकिन वो किसान पानी चलाने के लिए उस ठंड में वो खेतों में रहता है। दोस्तों जब उसके दिल में झांके देखोगे तब आपको पता चलेगा कि वो कितना ज्यादा तकलीफ में है। उस तकलीफ का अगर एक लेश मात्र भी आपकी वजह से अगर वो सुधर सकता है, ठीक हो सकता है, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा पुण्य का काम और कोई नहीं। छाबड़ा जी, माननीय त्रिलोकचंद छाबड़ा जी कहते हैं कि आरसीएम में अगर आप आए हो तो पैसे तो आएंगे, ये मजबूरी है, पैसे आना तो मजबूरी है। आप अपने लक्ष्य को कितना भेद पा रहे हो, आप अपने काम पे कितना ज्यादा कंसंट्रेट हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है आपका सारा किला, आपका सारा महल। तो दोस्तों ये बहुत शानदार समय है आपके पास में, सामने सीजन है और उस सीजन की अगर आप लाभ लेना चाहते हो तो आपको अभी इस वक्त से प्लानिंग शुरू करनी पड़ेगी। मैं एक छोटे से, बहुत छोटे से प्रेजेंटेशन से आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे नए लोग आज मेरे को दिख रहे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से ये सिस्टम काम करता है, किस तरीके से ये बोलना चाहिए प्रोडक्ट है ना अपन को लाना है, किस तरीके से काम करना है। तो मैं स्क्रीन शेयर के माध्यम से आपको ये बात बताऊंगा कि कैसे करके हमको ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। दोस्तों थोड़ा सा आपका मैं सहयोग चाहूंगा, क्या स्क्रीन में आपको, क्या आपको स्क्रीन दिख रहा है? जी सर, स्क्रीन आ गया जी सर। थैंक यू। तो हरित संजीवनी टीम आप सभी का स्वागत करती है, वंदन करती है, अभिनंदन करती है, वेलकम करती है। दोस्तों एग्रो प्रोडक्ट पे कार्य करते समय आने वाले सवाल, आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान हम करेंगे, आपको किसी भी प्रकार से डर, आपको किसी भी प्रकार से झिझक होने की जरूरत नहीं है। हमेशा 24/7 हमारी पूरी हरित संजीवनी टीम आप लोगों के लिए उपलब्ध है, उपस्थित है। दोस्तों फील्ड पर जाने के बाद किसान से आपको क्या बात करना है ये बहुत अहम है, क्योंकि हम जब किसान के पास जाते हैं कुछ ऐसी बातें हम किसान से कर देते हैं जो शायद हमें नहीं करना चाहिए, तो उसके बारे में भी हमने आपको इस प्रोग्राम में अभी मैं बताऊंगा कि किसान से जाके हमको क्या बात करना चाहिए। हरित संजीवनी के आप कौन से प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करेंगे, अभी जो शुरुआत में एकदम अभी नर्सरी चालू होगी, लोग धान की नर्सरी लगाएंगे, उसमें कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल होगा और क्या करना होगा उसको मैं आपको बताऊंगा। आप डायरी पेन लाए हैं तो उसमें नोट करिएगा। फसलों पर आने वाली बीमारी के लिए क्या सलाह दें, दोस्तों
फसल के ऊपर आप प्रोडक्ट देते हैं, हरित संजीवनी प्रोडक्ट देते हैं, स्वाभाविक सी बात है वो अगर खेती किया हुआ है तो किसी ना किसी प्रकार की समस्या उसको आएगी, किसी ना किसी प्रकार का बीमारी अगर उसके फसल पे लगता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अपनी पूरी एक साइंटिस्टों की टीम इसके लिए काम करती है, आपको सहयोग देगी। सिर्फ आपको फसल की बीमारी और रिजल्ट का फोटो आपको लेना है साफ, जैसे अभी सर बता रहे थे कि आपको मोबाइल खड़ा नहीं रखना, आपका मोबाइल आड़ा रखना है और जहां पर एफेक्टेड एरिया है, जहां पर आपके बीमारी लगी है उसके पास जाके फोटो को क्लियर होने तक होल्ड करके रखना है। ऐसे ही आपका फोटो बिल्कुल साफ हो जाएगा मोबाइल पे, फिर आपको क्लिक करना है और वो फोटो दो चार फोटो लेके आपको हमको व्हाट्सअप करना है, कुछ समय आपको इंतजार करना है और तुरंत आपको उसका जवाब मिल जाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं और वो जवाब आप किसान को दे देंगे तो सारी समस्या समाधान हो जाएगी। दोस्तों कम समय में किसान को कैसे समझाएं, इसके लिए हमारे पास में हरित संजीवनी एग्रो साइंस बुक हरित संजीवनी टीम के पास आ चुकी है। अगर आपको आवश्यक है तो आप इसका ऑर्डर करके haritsanjeevani.in जो हमारा वेबसाइट है उसमें से आप ऑर्डर करिए, बुक बुलवा लीजिए। हरित संजीवनी एग्रो साइंस वो किताब है, उसका ऑर्डर करके आप बुलवा लीजिए और उसको पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कम से कम समय के अंदर किसानों को क्या सलाह देना है। ये तो हो गया दोस्तों एक बात। दूसरा, आपका ग्रोइंग और हेल्दी क्रॉप, मतलब हमारे जो प्रोडक्ट है उसके लिए कौन कौन सी प्रोडक्ट क्या क्या काम करता है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले नोट करिएगा, हरित संजीवनी प्रोडक्ट किसी भी प्रकार का कोई खाद नहीं है, इसको खाद बोल के भी नहीं बेचना है। हरित संजीवनी एक उपचार है, ये जमीन को बचाने के लिए हम काम करते हैं, पौधों को स्वस्थ रखने के लिए काम करते हैं और पौधों के ऊपर इस्तेमाल होने वाली जो दवाएं हैं उसका जो पानी होता है उस पानी को हेल्दी बनाने का काम करते हैं। दोस्तों ये तीनों चीज अगर एक साथ आपको मिल जाए तो गारंटी है आपका तो उत्पादन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ आपकी जो जमीन है, जो आपकी घटती हुई मिट्टी है, बंजर होती हुई जमीन है, उसको भी ठीक करने का काम हमारे ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट करते हैं। दोस्तों सॉइल हेल्थ इंप्रूवमेंट का काम करता है हमारा, जो हमारे पास जो प्रोडक्ट है उपचार पद्धति है ये क्या काम करती है वो मैं बता रहा हूँ। तो सॉइल हेल्थ इंप्रूवमेंट का काम करता है, प्लांट हेल्थ इंप्रूवमेंट का काम करता है, फसल का जो पौधा है वो अगर स्वस्थ होगा मजबूत होगा तो कम से कम रोग लगेंगे, कम से कम कीड़े मकोड़े लगेंगे, पूरा भरपूर न्यूट्रिशन मिलेगा, ये पौधों के हेल्थ को इंगित करता है। और तीसरा है वाटर हेल्थ, दोनों इन दोस्तों इन तीन चीजों के ऊपर अपना प्रोडक्ट काम करता है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फसल जब हम लगाने की तैयारी करते हैं तब हमको कौन कौन सा प्रोडक्ट काम में लेना है, मतलब अभी जब हम फसल की तैयारी करेंगे, खेतों को तैयार करेंगे, बनाएंगे तो आपको कौन सा प्रोडक्ट देना है। दोस्तों आपको 250 ग्राम गार्डन गोल्ड एक एकड़ के लिए देना है, सॉरी 250 ग्राम हरित संजीवनी स्टेज नंबर वन, 250 ग्राम हरित संजीवनी स्टेज नंबर वन एक एकड़ के लिए। साथ में बहुत ही अच्छा अगर सोने पे सुहागा आपको करना है तो साथ में आप सॉइल हेल्थ स्पेशल का एक पैकेट 500 ग्राम का एक साथ मिला के आप उसको दे दीजिए, वो पूरे खेत पे छिटक देगा, पानी चला देगा, आपका सॉइल हेल्थ इंप्रूवमेंट का काम ये दो प्रोडक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले आपको कौन से प्रोडक्ट लगने वाले हैं दोस्तों, आपको सबसे पहले हरित संजीवनी स्टेज नंबर वन सॉइल हेल्थ स्पेशल और गार्डन गोल्ड अगर दे देते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाता है। दोस्तों ये प्रोडक्ट आपको अभी नर्सरी तैयार करने के टाइम पे लगेगा। उसके बाद में आपको जो अगला है वो जब पौधा वृद्धि करेगा, बड़ा होगा, तब आपको देना है स्टेज नंबर दो प्रक्रिया या फ्रूट स्पेशल। ये दोनों प्रोडक्ट जो है अलग अलग, या तो आपको स्टेज नंबर दो या फ्रूट स्पेशल, जब आपकी फसल लगने के बाद, जमीन में लगने के बाद रीप्लांटेशन जिसको रोपण कहते हैं या जिसको कहते हैं पौधे फसल को लगाना, रोपाई करना, रोपने के बाद जब आपका पौधा 25 दिन का होगा तब फ्रूट स्पेशल 1 ग्राम या हरित संजीवनी स्टेज नंबर दो 1 ग्राम 1 लीटर पानी में लेके, साथ में आपको लेना है स्प्रे मैक्स 1 ml उसी पानी में, साथ में लेना है आपको मिलाप उसी पानी में 0.5 ml 1 लीटर पानी में और 2 ग्राम डिफेंड और 2 ml रैपिड। दोस्तों ये हो गया आपका जब आपका पौधा 25 दिन का होगा तब के लिए।
उसके बाद आता है दोस्तों जब आपका पौधा फ्लावरिंग कंडीशन पे आता है तब आपको देना है स्टेज नंबर 3 1 लीटर पानी में 1 ग्राम या फ्रूट स्पेशल 1 लीटर पानी में 1 ग्राम साथ में डिफेंड रैपिड स्प्रे मैक्स मिला। ये कंपलसरी प्रोडक्ट है, ये 4 प्रोडक्ट दोस्तों, स्प्रे मैक्स 1 लीटर पानी में 1 ml, मिलाप आधा लीटर पानी में 1 लीटर पानी में आधा ml, डिफेंड 1 लीटर पानी में 2 ग्राम और रैपिड 1 लीटर पानी में 2 ml। ये जो 4 प्रोडक्ट नीचे वाले हैं ये आपका हमेशा स्प्रे पे जाएंगे। इसके बाद में तीसरा नंबर का जो स्प्रे है इसको बोलेंगे स्टेज नंबर 4। तो इसको हमको वैसे ही 1 लीटर पानी में 1 ग्राम 3 नंबर देने के 15 दिन बाद ये आपको स्प्रे करना होगा। सेम स्टेज नंबर 4 1 लीटर पानी में 1 ग्राम, स्प्रे मैक्स 1 लीटर पानी में 1 ml, मिलाप आधा ml, डिफेंड 2 ग्राम और रैपिड 2 ml। दोस्तों ये 3 नंबर देने के 15 दिन बाद 4th नंबर का स्प्रे होगा, मतलब और 3 नंबर का छिड़काव फूल आने के समय, जब पौधे पे फूल आता है तब स्प्रे किया जाता है। दोस्तों ये रहा आपका इस्तेमाल की विधि। आपको ध्यान रखना है हमेशा कि ये जो 4 प्रोडक्ट है इसका इस्तेमाल करने का तरीका एक जैसा है, बिल्कुल कभी भी नहीं बदलेगा। जैसे बचपन में अपन ने 2, 3, 4 पढ़े थे तो 1, 1 ही लिखा जाता है, आज से 50 साल पहले 1 लिखा जाता था तो वैसे ही लिखा जाता है, और आज 50 साल बाद भी वैसे ही 1 को 1 ही लिखा जाता है। तो प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने का तरीका और प्रोडक्ट बदलेगा नहीं, सेम रहेगा। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है इन प्रोडक्टों को कब इस्तेमाल किया जाता है, इसका इस्तेमाल करने का डोज कितना है और कब दिया जाता है ना, इसका अगर आप ध्यान रखेंगे तो कभी आपको गलती नहीं होगी। सारे फसलों में एक सा ये दवाई जाता है, इसलिए जाता है क्योंकि ये उपचार है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आसाम में आपका चाय पत्ती लग रहा है, बंगाल में आपका वेजिटेबल्स और धान लग रहा है, उत्तर प्रदेश में मेंथा लग रहा है और छत्तीसगढ़ में धान लग रहा है, केरल में केला है, कर्नाटक में सुपारी है और आपका यूपी में आलू था अब धान लगने वाला है, पंजाब में क्या बोलते हैं कणक लगा हुआ है, अभी गेहूं लगा हुआ है, अब धान लगने वाला है। तो दोस्तों पूरे हिंदुस्तान में तरह तरह की फसल लगेगी, उसके बाद बिहार में मक्का लगेगा। तो मेरा कहने का मकसद है इस्तेमाल करने वाले जो प्रोडक्ट है वो यही 8 प्रोडक्ट है, और इनका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारे किसानों की जो समस्या है खेतों में दिनों दिन बढ़ रही है, ये घट नहीं रही है। आपको लगता है किसान खेतों में कितना पैसा डालेगा और कितना उपचार करेगा, कई सारे लोग सवाल करते हैं, कई सारे लोग इसको लेके आते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं कि किसान अपने खेतों में लाखों रुपए खर्च करने को तैयार है अगर उसको सटीक उपचार मिले तो। आप उसको बोलोगे 1 एकड़ में 1 लाख रुपए का खर्चा है, वो करने को तैयार है, लेकिन अगर आप उसको विश्वास दिला पाए कि यही वो प्रोडक्ट है जो किसान की समस्या का समाधान है, तब वो किसान आपके विश्वास को देख के इन प्रोडक्टों को लेता है। दोस्तों हिंदुस्तान नहीं, विश्व की बड़ी से बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान के ऊपर हिंदुस्तान में बिजनेस कर रही है, कूद चुकी है। तो क्या आप क्या समझते हैं कि वो अमेरिका से उस कंपनी का मालिक है, हर किसान के खेतों में जाके वो प्रोडक्ट, और आप जो सेल्स वाले हैं, हम और आप जो प्रोडक्ट बेचने वाले हैं, हमारा विश्वास देख के किसान इन प्रोडक्टों को अपने खेतों में जगह देता है। तो दोस्तों हाथ जोड़ के आप लोगों से मेरी हमेशा विनती रहती है कि आपकी तैयारी और आपका विश्वास किसान को प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए बाध्य करता है, इस्तेमाल करने के लिए जज्बा देता है। तो दोस्तों इतना ही मेरे पास में आज के लिए इस प्रोग्राम में था, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा TCG का कहना है कि लोगों को उनकी समस्याओं को कहने का मौका मिलना चाहिए। तो इन आज के प्रोग्रामों में मैक्सिमम लोगों को हम सवाल लेंगे कि आपके सवाल क्या है, आपके मन के अंदर हरित संजीवनी को लेके क्या सोचते हैं, क्या डर लगता है आपको, और हम हरित संजीवनी टीम वाले आपका क्या सपोर्ट कर सकते हैं अगर आप आज से काम शुरू करते हैं। तो इन सारे सवालों को लेके आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो थैंक यू धनराज जी, प्लीज कम ऑन द स्क्रीन और हमारे दोस्तों को आज ले लिया जाए जो हैंड रेज किए हैं, उनके सवाल लेंगे, हम जवाब देंगे। थैंक यू धनराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया यूएस सिस्टम का,
आरसीएम के प्लेटफॉर्म का, जो कि हमें मौका देती है लोगों से रूबरू करने का। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर पंकज भोज, आज आपने बहुत ही शानदार सटीक और अभी राइट टाइम है पूरे हिंदुस्तान में नई फसल के लिए, तो समय से पहले अगर हमारे पास में उसकी प्रोडक्ट की सारी नॉलेज, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे हमें परचेज करना, कहाँ प्रोडक्ट मिलेगा, वो सारी चीज अगर हमारे दिमाग में और हमारे जहन में और वो चीज हमारे पास में रहेगी तो हम उस पर बड़ा काम करेंगे। वो काउत भी है सर, जब चिड़िया चुग गई खेत फिर पछताने से कुछ नहीं होगा, समय निकलने के बाद में कुछ नहीं होने वाला सर, समय से पहले अगर समय को पहचानेंगे तो बड़ा फायदा मिलेगा। तो आज जितने भी साथी हैं, हरित संजीवनी के उपलक्ष्य में आपको ऐसा लग रहा है ये प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्या रिजल्ट आने वाला है, तो ऐसे सवाल अगर कॉमन जो आपका सवाल है अगर किसी और को इसका फायदा मिल सके तो आप प्लीज हैंड रेस कीजिए और मोबाइल को आप पहले से ही आडा कर लीजिए ताकि हम आपको बुला सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अशोक जी आइए और सिर्फ टू द पॉइंट पे बात करेंगे ताकि समय को हम बचत करके उसका बड़ा बेनिफिट लेंगे, ज्यादा बेनिफिट लेंगे। आइए अशोक जी। जी सर, थैंक यू सर। यार हम अभी फील्ड में है सर, एक मुकेश सहनी जी है और कहना है सर यहाँ पर लौकी, लौकी है दो पता तीन पता का है, उसमें सर अभी क्या दिया जाए सर से को? वाइल्ड हेल्थ स्पेशल, हरित संजीवनी स्टेज नंबर वन और गार्डन गोल्ड, इन तीनों को एक साथ मिलाओ और आपका जो पौधा है उसके चारों तरफ जमीन में आप इसको दे दो और पानी का स्प्रे कर दो। ये तो हो गया आपका पहले फेज का काम, सॉइल हेल्थ इंप्रूवमेंट। दूसरा है प्लांट ग्रोथ। तो जब आपका पौधा 25 डेज का होगा तब फ्रूट स्पेशल 1 लीटर पानी में 1 ग्राम, डिफेंट 2 ग्राम, रैपिड 2 ml, स्प्रे मैक्स 1 ml और मिलाप आधा 1 ml। ये 5 प्रोडक्ट को एक घोल बनाओ और एवरी 15 डेज इंटरवल, हर 15 दिन के अंतराल पे आप पौधे के ऊपर स्प्रे करते जाओ। आपका पौधा बहुत सुंदर होगा, बहुत बढ़िया। दो पता तीन पता का हो गया है सर। हेलो, तो मैंने इतनी देर कहा, यही तो कहा, सॉइल हेल्थ और हरी संजीवनी मिला के देना है। जी हाँ, सॉइल हेल्थ हरित संजीवनी 1 नंबर। आप नेटवर्क एरिया में है ना? जी जी, आप ध्यानपूर्वक बात को सुनिए, रिपीट नहीं करिए, बहुत सारे लोग हैं, सबका सवाल का जवाब देना है। तो सॉइल हेल्थ और हरित संजीवनी स्टेज नंबर वन जमीन में दीजिए पौधे के चारों तरफ, और जब पौधा 25 दिन का हो जाएगा, पौधा जब 25 दिन का हो जाएगा उस वक्त आप फ्रूट स्पेशल 1 ग्राम, डिफेंड 2 ग्राम, रैपिड 2 ml, स्प्रे मैक्स 1 ml और मिलाप 0.5 ml पर लीटर 5 दवाइयों का एक घोल बनाओगे और एवरी 15 डेज इंटरवल, मतलब हर 15 दिन के अंतराल पे उस पौधे को अच्छे तरीके से नहलाना है, आपका बहुत बढ़िया वो हो जाएगा। थैंक यू सर। और थैंक यू अशोक जी, अगर आप और इसमें देखना चाहेंगे ना तो आप यूट्यूब पे जाइएगा, यही प्रोग्राम वापस देखेंगे और फिर नोट करके वो सारी चीजें जो सर ने बताई वो करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट भी मिलेगा और उसका संपूर्ण, हो सकता है अभी आपका नेटवर्क नहीं है तो आपको आवाज नहीं आई होगी तो आप उसको वापस देख सकते हैं। धन सिंह सर आप आइए। जी सर। सर जी, जयआरसी, मैं MP से, डिस्ट्रिक्ट नरसिंहपुर से, और मेरी अपलायंस श्रीनाथ घोष जी है जो हर संजीवनी पे हमारी पूरी टीम काम करती है। तो सर मैं थोड़ी सी जानकारी ये लेना चाहता था कि हमारे यहाँ मूंग की फसल बोई जा रही है, तो मूंग की फसल सर 70 दिन की होती है, जो पहला पैकेट तो मैंने डाल दिया है जो मैं उसको रेगुलरली यूज करता हूँ, मगर दूसरे तीसरे पैकेट का जो समय है और पानी का जो समय आ रहा है वो समय काफी लंबा समय होता है, उसमें बीच में गैप ज्यादा हो जाता है, तो पानी नहीं रहता खेत में तो डालते तो सर ये नहीं चाहती है। आपका नेटवर्क क्लियर नहीं है, सवाल क्या है धननाथ जी, थोड़ा सा आप सुने हो तो बताएं। सर इन्होंने आवाज मेरे तक पहुंची जितनी आपके पास में आई है क्योंकि नेटवर्क का इशू रहा, इन्होंने मूंग की फसल बोई है, पहला स्टेज इन्होंने डाल दिया है, दूसरा जब भी बोला तो थोड़ा सुनाई नहीं दिया। अगर धन सिंह जी, अगर आपकी आवाज प्रॉपर आ रही थी, एक बार आप वापस बताइए सेकंड स्टेज का क्या बोल रहे थे आप? सर ये फसल टोटल जो 70 दिन की होती है मूंग की फसल, इसमें पहला सेकंड स्टेज और तीसरा स्टेज का जो समय होता है वो थोड़ा सर इसमें काफी लंबा होता है क्योंकि फसल में पानी होगा, नमी होगी खेत में, तभी अपन तीसरा नंबर या दूसरा नंबर डालेंगे, नहीं तो ये सर नुकसान करता है। तो क्या दूसरा और तीसरा दोनों इकट्ठा मिला के डाल सकते हैं सर क्या? नहीं, आपको किसने बोल दिया ये नुकसान करता है? नहीं सर, मैंने और किसान के यहाँ डाला तो उसमें क्या हुआ था सर, खेत में जब नमी नहीं थी तो उसके पत्ते हल्के हल्के सूखने लगे थे और पानी देने के बाद दोबारा क्लियर हो गए थे सर। तो आपका सवाल ही जवाब है, आपको एवरी 10 डेज इंटरवल, आपको 15-15 दिन में हर फसल में नहीं डालना है जी। कुछ फसल लोधी जी 21 दिन की होती है,
जी सर, फसल 21 दिन की होती है तो उसमें क्या देना ही नहीं है क्या? ऐसा नहीं है, उसकी टाइमिंग कम हो जाती है। तो आप जो इस्तेमाल करेंगे तो उसको आपको 10-10 दिन में स्प्रे करना है 3 बार, तो आपका 40 दिन मतलब पहला जो स्प्रे है आपने 25 दिन में किया, दूसरा किया आपने 35 दिन में, तीसरा आपका 45 दिन में, चौथा 60 दिन में, खत्म। 70 दिन की फसल आपकी कट जाएगी। आपको अगर 10-10 दिन करना है तो आपको 20 दिन का जब आपका पौधा होगा तब आपको 2 नंबर का छिड़काव करना है, 30 दिन में आपको 3रा नंबर और 40 दिन में आपको 4था नंबर, खत्म हो गया। और 30 दिन आपको मिलेगा पौधे के ग्रोथ के लिए। तो हर फसल का अलग अलग टाइमिंग है, आप अपने अपने हिसाब से मत उसको बनाते जाइए कि 15 दिन या 20 दिन। और सिर्फ बस इतना सा ध्यान रखिए कि हमको हल्का सा नमी चाहिए जमीन के अंदर जब हम स्प्रे करते हैं। उससे पहले अगर आपने पानी चला दिया हल्का सा, एक चक्री चला दी, एक पंप चला दिया, उसी में काम हो जाता है, खेतों में पानी भरने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू। पदम पटेल जी आइए, सर पटेल साहब आइए जी, सवाल पूछे सर। सर जी बोलिए सर। 15 एकड़ धान लगा हुआ है सर, और 3रा नंबर डाल चुका हूँ, पहला दूसरा तीसरा, चौथा नंबर को कब डालूं सर, उसमें रेपिड और स्प्रे मिक्स मिला के? चौथा नंबर में डिफेंड, 3रा नंबर 4था नंबर में कंपलसरी है डिफेंड। जी सर। 1 लीटर पानी में 2 ग्राम। जी सर। रैपिड 2 ml, स्प्रे मैक्स 1 ml और मिलाप 0.5 ml। तो आपको ये चारों स्टेज जो है ये आपको स्टेज नंबर 4 के साथ मिलाकर तीसरा छिड़काव के 15 दिन बाद चौथा छिड़काव करना है। यस सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मेरे भाई। यस सर। थैंक यू। कृपेश सर, सर आप आइए। कृपेश्वर जी कहाँ गए? चलिए जी सर, आपने हैंड रेस किया था जी। कृपेश्वर सर आइए जी। सर जय हरी संजीवनी सर, जो मिट्टी का जांच करने वाला जो मशीन लिया है सर, ऑपरेट कैसे होगा उसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए था। हमको कैसे पता चलेगा आपने कौन सी मशीन ली? फोटो खींच के भेजिए, देख के बताएंगे। YouTube में आजकल तो सब अवेलेबल है। यस सर। फोटो खींच के WhatsApp करिए तो देख के मैं वही आपको WhatsApp पे बता दूंगा इसका ऑपरेटिंग ऐसा ऐसा। यस सर। थैंक्स। थैंक यू। राजेश भाई आइए जी। राजेश भाई जी। सर हमें गुजरात से है, हमारा सवाल है कि बाजरा लगाया है 41 दिवस का हो गया है, तो दूसरा नंबर डाल दिया है, तो अब तीसरा नंबर दे दे के कौन सा उसके साथ में दिए? राजेश भाई, तीसरा नंबर के साथ डिफेंड, रैपिड, स्प्रे मैक्स और मिलाप कंपलसरी है, और 3 नंबर आपको देना है जब आपके पौधों में फूल आएगा तब। फूल आएगा अगर तब। फूल आ चुका है, फूल आ चुका तो तुरंत 3 नंबर का छिड़काव कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आने वाला है तो जब आपका फूल आएगा तभी आपको 3 नंबर का छिड़काव करना है। 3 नंबर छिड़काव करने के 10 दिन बाद, 10 दिन बाद आपका 4 नंबर का छिड़काव करना है। बस एक बात ध्यान रखिएगा, डिफेंड, रैपिड, स्प्रे मैक्स और मिलाप, ये 4 प्रोडक्ट कंपलसरीली आपको स्टेज नंबर 3 और 4 के साथ मिलाकर छिड़काव करना ही करना है। जी सर। थैंक यू। सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने लौकी का खेती किया हूँ सर, बहुत सारा फल तो लगता है लेकिन दिखता नहीं है सर, छोटा छोटा होता है फिर मर जाता है, उसको कैसे क्या करें, इसका ट्रीटमेंट क्या बताइए? उसमें कीड़े लगते हैं, कीड़े लगते हैं। अच्छा। एक तो सकिंग पेस्ट होता है और अच्छा। दूसरा फ्रूट एंड शूट बोरर होता है कीड़ा। अच्छा। तो ये कीड़े को है ना, ये कीड़े को मारने के लिए आपको सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड देना है। सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड देना है। अच्छा। कीटनाशक देना है कौन सा, जो आपके पौधे के अंदर घुस के बंकर के अंदर
जो दुश्मन की सेना बैठी है उसको घुस के मारना, तो वो दवा को बोला जाता है सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड। अच्छा, है ना। तो बाजार में जाके आप सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड ले लीजिए, फ्रूट स्पेशल डिफेंड रैपिड स्प्रे मैक्स के साथ 2 ml पर लीटर मिला के स्प्रे कर दीजिए, 10 से 15 दिन में फिर एक बार कर दीजिएगा, खत्म हो जाएगा। फ्रूट स्पेशल RCM से रैपिड स्प्रे मैक्स तीनों मिला के कितना ml सर? डिफेंड 2 ग्राम, रैपिड 2 ml, स्प्रे मैक्स 1 ml, मिलाप 0.5 ml। शुरू से अभी तक यही तो बोलता जा रहा हूं मेरे भाई कि जब भी कभी छिड़काव करे, स्प्रे करे, तो ये 4 दवा कंपलसरी मिलाना है। अब इसके साथ में बाजार का आपका सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड आ गया, इसको छिड़काव कर दीजिए 12 दिन में एक बार, आज एक करेंगे तो 12 दिन बाद एक बार कर दीजिएगा, खत्म, फिर कभी इस्तेमाल मत कीजिएगा। एक ही बार करना है टोटल? 2 बार, एक बार आज करना है, एक बार 10 दिन 12 दिन बाद। थैंक यू, थैंक यू। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। अच्छा, एक बात और कहना था धनराज जी। जी सर। जैसे हमारे दोस्त अभी बहुत बड़ी तादाद में नर्सरी लगाएंगे धान की, बहुत बड़े, हमारे सारे पूरा सिस्टम 300 लोग हैं अभी, वो सभी सुन रहे हैं। तो धान जब लगता है, एक बात का ध्यान रखिएगा, जो बीज किसान खरीद के लाता है बाजार से, तो इसको लगाने के पहले एक बार बीज उपचार करे, क्योंकि बीज उपचार नहीं करने के कारण धनराज जी, जब खेतों में अपन धान लगाते हैं तो धान लगने के 15 दिन 18 दिन 20 दिन के अंदर एक रोग आता है, वो धान सुक्कड़ रोग बोलते हैं, कई जगह पे अलग अलग भाषा बोली जाती है। धान पीली पड़ के सूखती है, उसके चारा जो होता है वो खत्म होता है, उसका वजह है फंगस। तो धान का बीज होता है ना, सालों से व्यापारी के गोदाम में पड़ा रहता है, और जैसे ही सीजन आता है वो निकाल के बेचता है, तो उसमें लग जाते हैं फंगस, संक्रमण आ जाता है। वो संक्रमण आपके खेतों तक पहुंच रहा है बीजों के जरिए, और उसके बाद हमारी मिट्टी दूषित हो रही है ना। अब वो दूषित इस वजह से हो रही है, एक तो हमारी मिट्टी बीमार केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से, और दूसरा बीजों के अंदर जो रोग हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, मान के चलिए पंजाब में बीज तैयार हुआ और इस्तेमाल हो रहा है छत्तीसगढ़ में, या इस्तेमाल हो रहा है वेस्ट बंगाल में, तो वो जो पंजाब का जो फंगस है ना, वो वेस्ट बंगाल तक पहुंच रहा है। तो इसको इस्तेमाल करने के पहले बीज उपचार करना जरूरी है। तो बीज उपचार के लिए आप लोग पद्धति चाहे तो लिख लीजिए, हजारों नहीं लाखों किसान का भला हो जाएगा। आप 5 लीटर पानी लेते हैं जिसमें बीज को आपको डिप करते हैं आप, तो उसमें डाल दीजिए आप 50 ग्राम डिफेंड उस पानी में, और 50 ml डाल दीजिए उसमें स्प्रे मैक्स, और 2 से 3 चम्मच ट्राइकोडर्मा पाउडर, 2 से 3 चम्मच ट्राइकोडर्मा। जिसको ट्राइकोडर्मा नहीं मिल रहा वो ब्लाइटॉक्स इस्तेमाल कर सकता है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इस्तेमाल कर सकता है। अगर ये कुछ नहीं मिल रहा तो बाजार का कोई अच्छा सिस्टमिक फंगिसाइड ले लीजिए, UPL कंपनी का साफ आता है जिसमें कार्बनडिज्म और मैंकोजेब दोनों होता है, तो ये 2-3 चम्मच लेके उस पानी को अच्छा सा घोल के, और ये सारे बीज को, धान का जो बीज आएगा या कोई भी सब्जी का बीज, उसको डिप करें, कम से कम 1/2 घंटा 1 घंटा उस पानी में इसको भीगे रहने दीजिए, और उसके बाद इसको बीज को निकाल के छांव में सुखाना है, धूप में नहीं, छांव में इसको हल्का सा हवा लगने दीजिए, सूखने दीजिए, उसके बाद आप इसको खेतों में ट्रांसपोर्ट करिए। इससे क्या होगा कि ये बीज के अंदर का जो फंगस है वो दोस्तों खत्म हो जाएगा, आपके खेतों तक नहीं पहुंच पाएगा, और आपका जो बीजों के अंदर संक्रमण है वो आपकी फसल को संक्रमित नहीं कर पाएगा। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि जितने भी किसान भाइयों तक आप पहुंचते हो उनको ये सलाह जरूर दें। थैंक यू वेरी मच धनराज जी। थैंक यू सर, बिल्कुल जरूरी है सर, क्योंकि जब तक हम सही तरीके से बीजारोपण नहीं करेंगे तो उसमें बीमारी शुरू से लग जाती है, तो फिर हमारी आगे की फसल में भी वो लगातार बनी रहती है, फिर हम तरह तरह के उपचार करते हैं उसका रिजल्ट बाद में कम मिलता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, रंगलाल जी सर आप आइए। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा क्वेश्चन है सर, चाय पत्ती में कौन कौन सा
देना है, इसको थोड़ा जानकारी मिलने से अच्छा होता सर। चाय के बगान में चाय पत्ती, चाय के बगान में सॉइल हेल्थ स्पेशल फॉर सॉइल ट्रीटमेंट, जमीन में सॉइल हेल्थ स्पेशल देना है, हरित संजीवनी स्टेज नंबर 1 देना है और गार्डन गोल्ड देना है। गार्डन गोल्ड 1 बीघा में गार्डन गोल्ड मिनिमम 10 पैकेट, 10 से 15 पैकेट लीजिएगा और 250 ग्राम हरित संजीवनी स्टेज नंबर 1 और 500 ग्राम सॉइल हेल्थ स्पेशल, इनको एक साथ मिला के मैन्योर कर दीजिए, जमीन में दे दीजिए और आसाम में या आपके बंगाल में चाय पत्ती का जब सीजन चलता है तब बारिश होता रहता है तो ऑटोमेटिकली ये काम हो जाएगा आपका, पानी चला दीजिएगा। उसके बाद 1 ग्राम स्टेज नंबर 2 और 1 ग्राम फ्रूट स्पेशल, साथ में 2 ग्राम डिफेंट, 2 ml रैपिड, 1 ml स्प्रे मैक्स और 0.5 ml मिलाप, इसको एक साथ मिलाकर पत्ती प्लकिंग करने के बाद आप स्प्रे कर दीजिए एवरी 18 डेज इंटरवल, 18 दिन के बाद आप स्प्रे करिए। अगर आप CTC करते हैं तो, और अगर आप ऑर्थोडॉक्स करते हैं तो ऑर्थोडॉक्स के लिए जब समय आएगा मतलब आपका अगस्त के बाद तब आप इसका उपचार करिएगा, और अगर आप CTC करते हैं तो तुरंत इसका उपचार होना जरूरी है। हर 18 दिन में एक बार आपको स्प्रे करना है प्लकिंग करने के बाद। जी सर, इक्के रंगला जी। जी सर, इसके बाद में और कुछ रासायनिक कुछ तो नहीं देना है सर, रासायनिक खाद कुछ कोई देना है? देखिए आप फिर वो मिक्स कर रहे हैं प्रोग्राम में, शुरू से शायद आप अटेंड नहीं किए होंगे। हरित संजीवनी किसी भी प्रकार का कोई खाद नहीं है, हरित संजीवनी ट्रीटमेंट है, और आप जिनका नाम ले रहे हो रासायनिक खाद वो भोजन है। भोजन और उपचार दोनों अलग अलग चीज है। उपचार का मतलब होता है बीमारी का इलाज जी सर, और भोजन का मतलब होता है खाना। तो इलाज और खाना दोनों अलग अलग चीज है, एक साथ नहीं मिलाओ दोनों को। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिगंबर सिंह सर आ भाई। जी सर, जी सर, कुछ ही सवाल। मूंग का फसल लगाया हूं सर, उसमें व्हाइट फ्लाई के लिए क्या करना पड़ेगा सर? तुरंत फोटो लेके भेजो। जी सर, मेरे मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप पे आप फोटो लेके 3-4 फोटो लेके भेजो, मैं आपको तुरंत उसका उपचार बता दूंगा। मैं अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, मेरे को आप है ना फोटो खींच के भेजना। जी सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट्सएप पे डाल दिया, मेरा नंबर है ये, नोट कर लीजिए और आप फोटो खींच के इस पे व्हाट्सएप करके, और एक लाइन जरूर लिखना कि इस फसल में हरित संजीवनी का इस्तेमाल नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो नीचे लिखना है कि इस फसल में हरित संजीवनी का इस्तेमाल हुआ है, ये प्रॉब्लम आ रहा है। मैंने अपना नंबर चैट बॉक्स पे लिख दिया है, नोट कर लीजिए। जी चलिए आगे बढ़ते। राधे श्याम जी आइए सर, मोबाइल को घुमा के आ रहा है। आइए राधे श्याम जी। जी जय हर सिंह सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है सर पंकज सर से कि सर जो किसान को सही रिजल्ट आ जाए सर। क्या बताया आपने, नेटवर्क इशू के कारण सुन नहीं पाए, फिर से बोलिए। सर मेरा सवाल ये है सर कि मिट्टी का जांच कौन सा मशीन बेटर रहेगा सर जो किसानों को सही रिजल्ट आ जाए सर? देखिए मिट्टी के जांच के लिए तो आप सरकार के पास भेजिए मिट्टी कलेक्ट करके, वो सही रिपोर्ट वहीं से ही आएगा। आप अगर बात कर रहे हैं मिट्टी का पीएच का, जी सर जी, देखिए दो तरीके की जांच होती है, एक होता है पूरा रिपोर्ट और एक होता है पीएच। तो पीएच चेक करने के लिए आपके पास में जितने भी क्या बोलना चाहिए मार्केटिंग कंपनियां अमेजोन है, तो वहां पर आपको सॉइल पीएच मीटर जैसे ही आप लिखोगे तो बहुत सारे आ जाएंगे, आप अपने विवेक से देख लीजिएगा। इस्तेमाल करना बहुत आसान रहता है, पीएच के तरफ आप स्विच को कर दीजिए और जमीन के अंदर 2 रॉड होते हैं, सावधानी पूर्वक नमी वाली जो जमीन होगी वहां पर आप गड़ा दीजिए, पीएच बता देता है, वो पीएच देख लीजिए,
और उपचार शुरू कर दीजिए। मिट्टी का जो पीएच है वो 6.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए, आइडियल पीएच मतलब सबसे अच्छी जमीन खेती करने वाली, और अगर उसके ऊपर या नीचे है तो मिट्टी खराब है तो हरित संजीवनी का उपचार कराइए। जी जी चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं तो सर आइए आप। जी सर। जी सर, पंकज सर मेरा नमस्कार, चितलाल मतो है झारखंड से सर। और अभी हमारे तरफ भिंडी, करेला, झींगा, खीरा, टमाटर की सब्जी का अभी फसल लग चुकी है सर, और हम तो काम कर रहे हैं गार्डन गोल्ड का इस्तेमाल कर, पर इसमें से हम किसानों को क्या मदद कर सकते हैं कि हम इसका उपज जो है सही तौर तरीके पर दुगुना हो जाए सर। एक सवाल नंबर ये था सर। दूसरा है जिज्ञासा कि मशरूम के जो खेती है, कुछ किसान हमको पूछ रहे हैं कि मशरूम का खेती के लिए कुछ आपके पास में व्यवस्था है क्या, तो ये दूसरा सवाल। मशरूम एक प्रकार का फंगस है, मशरूम एक प्रकार का फंगस है, उसके लिए हमारे पास में कोई भी उपचार उपलब्ध नहीं है। दूसरा, कभी भी आप जब तक आप फसल या खेत के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती तब तक हम उनको किसी भी प्रकार का दुगना, तिगना, चौगना या उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई भी सलाह नहीं दे पाते। सबसे पहले आप मिट्टी का उपचार करें, मिट्टी को सुधारिए, मिट्टी को स्वस्थ बनाइए। उसके बाद जब मिट्टी स्वस्थ होने लगेगा तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, किसान खुद बोलेगा फोन करके आपको बुला के कि भाई मेरा इतना उत्पादन बढ़ा, उतना उत्पादन बढ़ा। अगर आप हरित संजीवनी ग्रुप में हैं तो आप दिन रात वीडियो और दिन रात फोटो और दिन रात हमारे आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटरों के द्वारा पोस्ट की गई आपको जानकारियां मिलती होगी, आपको उसी से पता चलेगा कि जो व्यक्ति निरंतर अपने खेतों में हरित संजीवनी का इस्तेमाल कर रहा है तो उसका उत्पादन क्या हुआ है। हम अपने मुंह से अगर आपको बोले कि 4 गुना उत्पादन बढ़ जाएगा तो ये गलत होगा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म वो नहीं है। आरसीएम का जो प्लेटफॉर्म है यहाँ झूठ बोला जा नहीं सकता, आप झूठ बोल के बहुत दिन काम कर नहीं पाओ, है ना। अपन को ट्रेडिशनल मार्केट की तरह काम नहीं करना, हमको विश्वास जीतना है। और मैं आपको आज एक मूल मंत्र बता देता हूँ सभी को, जितने भी भाई आज यहाँ पर उपलब्ध है। दोस्तों, हरित संजीवनी में अगर रिपीट ऑर्डर आपको चाहिए और निरंतर किसान आपके ऊपर भरोसा करे, तो इसके लिए किसान का भरोसा जीतने के लिए आपको उसके फसल पे हफ्ते में एक बार फॉलो अप करने के लिए जाना होगा। हफ्ते में एक बार आपने कितने किसानों को दे दिए हैं मैं नहीं जानता, लेकिन अगर 10 किसानों को भी दिए हैं तो हफ्ते में एक बार उनके घर में चाय पीने के लिए जा सकते हैं, उनके खेतों को विजिट करने के लिए जा सकते हैं। और किसी भी किसान के घर में अगर पूरे सीजन में आपने अगर हफ्ते में एक बार विजिट दे दिया तो दोस्तों मैं ये आपको गारंटी दे रहा हूँ, किसान विश्वास की तो बात छोड़ो, उसके घर में अगर लड़की की शादी भी करेगा ना तो तुमसे पूछ के करेगा, इतना विश्वास उसका हो जाएगा। और यही विश्वास हमको जीतना है। हम सिर्फ प्रोडक्ट बेच के भाग के आ जाते हैं, फिर दूसरी बार पलट के भी नहीं देखते उसके ऊपर, तब उसको क्या है कि आपके हरित संजीवनी या आपके प्रोडक्ट के ऊपर उस किसान का विश्वास टूट जाता है कि यार ये मेरे को सिर्फ चूना लगा के या बेच के या मेरे को मुर्गा बना के चला गया, या अपना उल्लू सीधा करके चला गया। कुछ किसान हमारे प्रोग्राम का फिजिकल प्रोग्राम होता है तो किसान आते हैं, आके बोलते हैं सर आपकी बात तो बहुत अच्छी लगी, इस्तेमाल हम करना चाहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति ने मेरे को बुलाया आज इस प्रोग्राम में, क्या वो मेरे को विश्वास दिलाता है कि वो मेरे को फॉलो अप देगा, ये सुन के हम आश्चर्य रह जाते हैं। तो दोस्तों, मूल मंत्र है ये, खेती पे काम करने में अगर आपको विश्वास बनाना है तो कम से कम हफ्ते में एक बार ठान लीजिए, ठान बांध लीजिए, किसान के खेत पे जाके खड़े होना है। जी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। लाले खां जी प्लीज अनम्यूट करें अपने आपको। केशव नंद जी आप आइए, मोबाइल को घुमाइए, घुमाने के बाद एक बार आइए सर। जी सर आइए। नमस्ते सर, पंकज सर नमस्ते। सर मेरा नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा ये कहना है कि अभी तो मेरा इधर में धान का खेती अभी कंप्लीट होने वाला है, अभी प्रॉब्लम ये आ रहा है, सोसोप का प्रॉब्लम आ रहा है सर, उसके लिए क्या करना है? हम तो डिफरेंट रैपिड वो तो यूज कर रहे हैं अभी, अभी सोसोप के लिए क्या करना है? जब सोसोप बढ़ जाता है, मतलब सकिंग पेस्ट, जब सकिंग पेस्ट बढ़ जाता है तो हमको रैपिड के साथ में बाजार का कीटनाशक इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। बाजार का कीटनाशक, आप निरंतर एक ही कीटनाशक अगर इस्तेमाल करते रहोगे
तो वो जो कीड़ा होता है वो अपना इम्यूनिटी पावर को बढ़ा लेता है और निरंतर इस्तेमाल एक ही दवा इस्तेमाल होने के कारण वो अपना हाजमा बढ़ा लेता है और हजम करने लगता है। मान के चलो फॉर एग्जाम्पल आप क्लोरोसाइपर दे रहे हैं या इमामेक्टिन बेंजाइड दे रहे हैं, तो निरंतर आप इमामेक्टिन देते रहोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि कितनी भी अच्छी से बड़ी कंपनी का इमामेक्टिन आप डालोगे ना उसमें काम नहीं होगा, क्योंकि वो हजम कर चुका होगा वो कीड़ा, तो उस जगह पे आप वो दवा को चेंज करो, है ना। तो आपको ये चेंज कर करके देना है, और एक बार फोटो खींच के मेरे को व्हाट्सअप करिए उस फसल का, तो मैं देख के आपको एक्चुअल कौन सी दवा देनी चाहिए और क्या आप दे चुके हो ये लिख के। रैपिड अभी अभी रैपिड रैप उसका बाद धान निकलने के बाद हम रैपिड और डिफेंड यूज कर रहे हैं उससे, वो चार नंबर भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद भी आपका अगर वहां पर शोषक लग रहा है तो आप बाजार का कीटनाशक एक दीजिए, अच्छा कोई कीटनाशक, एक बार फोटो खींच के मेरे को भेजिए, मैं फसल देखने के बाद आपको दवाई का नाम बता दूं। बिल्कुल सर। चलिए अप्पा साहब आइए सर, वेलकम। जय हरसिम सर। पंकज सर जय हरसिम। जय हरसिम। जय हरसिम अप्पा साहब। सर मेरा ये प्रश्न है कि यहाँ का जो जनता कर्नाटक के वो पूछते हैं इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, तो हमारे प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट्स तो दिया नहीं, तो उनको क्या जवाब दें उसके लिए। आप मेरे को ना अभी मैं आपको समझाने जाऊंगा तो ये पूरा प्रोग्राम सारे लोग भाग जाएंगे, तो एक काम करिए आप मेरा नंबर है अलग से बात नंबर पे आप हाँ पर्सनल फोन कर लीजिए, मैं आपको पूरी डिटेल बता दूं। सर सर ठीक है सर। जय हरसिम। थैंक यू वेरी मच अप्पा सर। थैंक यू सर। लाले खान जी आपका कोई पर्सन है क्या, आप थोड़ा सा उजाला में आइए ना सर जी। वो मेरे ख्याल से रास्ते में है, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं जी सर। मैं जी इन प्रोडक्ट सारों को पानी की जरूरत रहेगी क्या सर? इनका सवाल है क्योंकि हम राजस्थान से जब बात कर रहे हैं तो ये बारिश के ऊपर हम निर्भर हैं, खेती हमारी ज्यादातर बारिश की होती है, तो उसमें ये पूछ रहे हैं क्या ये काम करेगा क्या बिना पानी के हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं बारिश के समय। नहीं देखिए पानी तो चाहिए इन दवाइयों को इस्तेमाल करने के लिए, अगर आपके खेतों में फसल होती है तो इसका मतलब जरूर उसमें नमी होता होगा और अपने प्रोडक्ट को सिर्फ नमी चाहिए ना, हमको बारिश का पानी नदी नदी के जैसा भरना चाहिए ऐसा नहीं है। अच्छा। हमको नमी चाहिए जमीन में और नमी रहेगी तब आपकी फसल लगेगी, तो आप 100% इन प्रोडक्टों का इस्तेमाल कर सकते हैं और राजस्थान के अंदर बहुत बढ़िया हो भी रहा है इस्तेमाल जी, चाहे वो आप धान में बोल लो, धान बोल रहा सरसों में बोल लो, ज्वार बाजरा में बोल लो, जीरे में बोल लो, है ना, पोमोग्रेनेट में बोल लो, अनार के। ठीक ठीक सर जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। सर हमारा समय भी हो गया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज काफी लोगों का जो क्वेश्चन था वो क्लियर हुआ होगा और आपने आज सटीक जानकारी दी पंकज बोस सर, तो वो अभी जो आने वाला जो समय है हमारी खरीफ फसल का उसका बहुत बड़ा फायदा भी मिलेगा, तो फिर मिलेंगे हम अगले सेशन में, तो आज का दिन आपका शुभ रहे, बहुत शानदार, और आज आपने जितने भी साथी यहाँ आए हैं वो अपनी टीम में ये एक बार प्रोग्राम जरूर वापस रिप्ले करवाएं ताकि उनको दिखाएं, तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हरसिम। जय हरि।